हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको यह स्वेटर दिखला रही हूँ जो लाल कलर में बुना गया है। इसमें एक ही कलर में एक कलर का डिजाइन दिया हुआ है। उसी कलर का डिजाइन वाला स्वेटर है, फुल स्वेटर। इसका गोल गला है। ये चारों पल्ला को चढ़ा करके एक कांटे पर तब घटाते हुए बनाया गया है, जिससे गला का गोल छोटा शेप आया है। अब आप लोग इसमें चाहती हैं जो डिजाइन दिया गया है, जो पैटर्न दिया गया है, उसको बुन करके दिखलाने के लिए, तो आज मैं आपको बुन कर दिखला रही हूँ। यह तीन फंदे का डिजाइन है और छः सलाई में पूरा होता है। छः सलाई में इसकी आकृति सही आपको देखने में मिलती है। तो हम इसके लिए 16 फंदा डाले हैं इसमें, और पूरा सलाई, एक सलाई सीधा और एक सलाई उल्टा बुन चुके हैं। अब यहाँ से पैटर्न शुरू होता है। एक फंदा सीधा और तीन फंदे का चूँकि डिजाइन है, इसलिए हम उनको पीछे रख करके इस फंदे में कांटा को लगाते हैं और उंगली पर से होते हुए उनको ऐसे उल्टा बुन लेते हैं। फिर इसके बाद दो फंदा उल्टा बुनते हैं। फिर यह जो ज़्यादा घर ऊपर आ गया था उसको नीचे गिरा देते हैं। फिर इसके बाद तीन फंदा हम सीधा बुनते हैं। फिर उसी तरह ऊन आगे की ओर घुसाते हैं और ऊन पीछे रहता है और सलाई को आगे घुसाते हैं फंदे में। उंगली के ऊपर से इसको हम ऐसे लेते हैं, लेकर के इसको दो फंदा और उल्टा बुन करके इसको गिरा देते हैं। जो ऊपर में निकला हुआ फंदा है उसको नीचे गिरा देते हैं। फिर तीन फंदा हम सीधा बुनते हैं। इसके बाद फिर उसी तरह सलाई आगे की ओर घुसाते हैं फंदा में, उंगली पर से होते हुए उनको लेते हैं, उल्टा बुनते हैं और दो घर और उल्टा बीन करके और इसको ऊपर से गिरा देते हैं। हो गया। दूसरी सिलाई जो है वह हम पूरा उल्टा बीनते हैं। इसमें का सब फंदा उल्टा ही रहेगा। यही इसमें आसानी है। दोनों ओर डिजाइन का दोनों ओर नहीं बुनना है। एक ओर डिजाइन बुनाता है, दूसरा रो जो है इसका वह पूरा उल्टा ही जाता है। अब यह तीसरी पंक्ति जो है उसमें एक तो हम ये ज़्यादा लिए हुए हैं सीने के लिए, और जिस तीन फंदा में हम डिजाइन बनाए थे उस तीन फंदा को हम सीधा बुन लेंगे, और जिस तीन फंदा को हम सीधा बुने थे उसमें हम आगे की ओर अब सिलाई को घुसाते हैं, ऊन पीछे है और उंगली पर से होते हुए ऐसे लाते हैं और दो घर उल्टा बुन करके इस बढ़े हुए फंदे को इस पर के ऊपर से गिरा देते हैं। जिस तरह हमने पहली सलाई में किया था उसी तरह तीसरी सलाई में करना है। जहाँ पर डिजाइन था वहाँ पर तीन घर सादा बुनना है, और जहाँ पर डिजाइन नहीं था वहाँ पर हमको डिजाइन बनाना है। देख रहे हैं हमारा डिजाइन बन रहा है। अभी दो कांटा और बुनने के बाद यह डिजाइन तैयार हो जाएगा।
अब इसमें फिर जहाँ पर हम सीधा बुने हैं, जहाँ पहले डिजाइन बन गया हुआ था और बीच में सीधा हो गया था, वहाँ पर अब हम डिजाइन फिर बनाएंगे। और जहाँ डिजाइन बुने हैं वहाँ फिर तीन घर सीधा बुनेंगे। तीन घर का ही डिजाइन है, हमको याद रखना है तीन घर का ही डिजाइन है। इसको इसके ऊपर से ऐसे करेंगे, जो ये जो ज़्यादा घर बढ़ गया उसको फिर हम गिरा देंगे, फिर सीधा तीन काटा, फिर इसको इस तरह से उंगली लगाकर बढ़ाएंगे और ऊन हमेशा पीछे ही रहेगा। इधर से फिर पूरी सिलाई उल्टी, पूरी सिलाई हम उल्टा ही बुन रहे हैं। यह हम आपको छोटा सा नमूना बनाकर दिखला दिए हैं, जिससे आपको यह पैटर्न बनाने में आसानी हो। बहुत ही सुंदर लगता है, गड्ढा गड्ढा कितना धोने के बाद भी इसका गड्ढा इसी तरह बना हुआ रहता है। अब यह आपको ठीक से नज़र आता होगा, ठीक से नज़र आता होगा इसका डिजाइन। अब फिर जो यहाँ डिजाइन है इसके ऊपर यहाँ सीधा बुनेंगे, यहाँ डिजाइन बुनेंगे, इसी तरह से हम इसको बुनते हुए चले जाएंगे। तो आपको अगर यह डिजाइन पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होइएगा तो सब्सक्राइब करिएगा। आपके लिए हम अच्छा अच्छा डिजाइन लेकर आएंगे।